सभी का स्वागत करता हूँ एक छोटे से ब्लॉग में। मैं हूँ अभी शिमला रेलवे स्टेशन के बाहर, देख सकते हैं, और यहाँ से हम जाएंगे मॉल रोड। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आप जा सकते हैं खुद से, अगर आपको नहीं पता है तो। यहाँ से मात्र 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मात्र है, तो हम लोग पैदल ही जाएंगे। चलिए चलते हैं। शिमला रेलवे स्टेशन से निकलेगा और यहाँ पे है टैक्सी, पूरा लगा हुआ है। इसी से सीधा आपको आगे की तरफ बढ़ना है। हनुमान जी से बच के रहेगा, हनुमान जी की सेना से भी बहुत सारे यहाँ रहते हैं। और दोस्तों हम लोग चलते चलते आ चुके हैं मेन रोड पे। ये देख सकते हैं गेट भी बना हुआ है, यहाँ से कैंपस एरिया खत्म हो जाता है रेलवे का। देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे टैक्सी चल रहे हैं, आप टैक्सी भी हायर करके जा सकते हैं, नहीं तो पैदल भी जा सकते हैं। हम लोग तो पैदल ही जा रहे हैं, यहाँ लोकल बस भी चलती है SBT। देखिए दोस्तों कितना साफ सफाई है इस रोड पे। फर्स्ट थिंग जो शिमला का नोटिस हुआ है मुझे वो यही कि भाई बहुत साफ सुथरा जगह लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस रोड पे थोड़ी भी गंदगी नहीं है। गाड़ी भाई बहुत चल रही है, थोड़ा संभल के, बहुत बिजी रोड है और साफ सफाई भाई A1। अभी तक में इम्प्रेसिव लग रहा है ये शिमला अपना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को दो भाई मिल गए हैं, ये भी हमारे साथ मॉल रोड ही जा रहे हैं घूमने के लिए। आप कहाँ से आए भाई? हरियाणा से। नाम क्या हुआ आपका? ओह, तो कितने दिन यहाँ रहने का प्लान है? 6 दिन। फर्स्ट टाइम है या इससे पहले आए हुए हैं शिमला? फर्स्ट, ओ पहली बार। चलिए आप, चलिए हमारी तरह ये भी फ्रेशर हैं और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाले हैं शिमला के बारे में। अच्छा, पहला चीज़ आपको अभी शिमला में आने के बाद क्या लग रहा है शिमला के बारे में? क्या बहुत अच्छा यार, साफ सफाई क्या लग रहा है इधर? कितना साफ है ना पूरा एकदम, बहुत यार नज़ारे एकदम मस्त है। और यह देख लीजिए अपने शिमला की पहाड़ों में बसे इस घर को। और यह देख लीजिए सामने मॉल रोड का मार्केट, होटल, सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। बस पहुंचने वाले हैं अपने मॉल रोड। अब भाई क्या चढ़ा है? अरे भैया आराम से आराम से। हमारी तरह काफ़ी टूरिस्ट पैदल ही जा रहे हैं, मज़ा तो पैदल जाने में ही है, तभी आप किसी सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह देखिए होटल क्लासिक, और इधर है अपनी रेलवे का बिल्डिंग। यहाँ पे पूरा पता चल रहा है कि हम लोग पहाड़ी इलाके में हैं, क्योंकि मॉल रोड जाने के लिए हम लोग बहुत चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और यह देख लीजिए हम लोग हैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड के पास। ये स्टैचू देखिए अपने तिरंगा के साथ, जवान, जय हिंद जय भारत। और यह देख लीजिए मिलिट्री का ये स्पेशल व्हीकल। शिमला में अगर आपको ट्रेनिंग करने के लिए मिल रहा है ऑप्शन, तो यहीं पे आपको ट्रेनिंग होगा। बहुत ही शानदार जगह है, जरूर आके ट्रेनिंग लीजिएगा। भाई BSNL का देखिए कितना बड़ा बिल्डिंग है। और यह हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली अपने मॉल रोड। तो आप देख लीजिए अब यहाँ पे दुकान सब अपने कपड़ों का है, अपनी सिटी पॉइंट, जूस वगैरह बेकरी मिलेगा, और यहाँ पे बियर बार, गिफ्ट हाउस भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, और यहाँ शोरूम भी है। शिमला के वस्त्र आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। और सही है भाई साहब, मॉल रोड बहुत ही मस्त जगह है। गर्लफ्रेंड के लिए लेना हो ज्वेलरी तो आ जाइए तनिष्क। और यह देखिए दोस्तों SBI का बिल्डिंग कितना अच्छा लग रहा है, क्या डिजाइन में बना हुआ है। और यह देखिए अपने नेशनल फ्लैग, क्या मस्त लहरा रहा है भाई। शिमला की सारे बिल्डिंग खूबसूरत है, सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं। देख लीजिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये बिल्डिंग, क्या मस्त है। और यहाँ पे फूड स्ट्रीट भी है, आप जाके फूड इंजॉय कर सकते हैं।
और यहाँ है शिमला किताब घर। ऐसा देखिए हर एक ब्रांड का आपको यहाँ पे शॉप मिल जाएगा, फिर चाहे बाटा हो, ब्लैक बियर हो, वुडलैंड हो, सारे का आपको मिल जाएंगे। सभी ब्रांडेड कंपनी आपको यहाँ पे अवेलेबल है, सभी के शॉप हैं यहाँ। आप विजिट कीजिए, परचेज कीजिए, शॉपिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए शिमला के टूर को। आप देख सकते हैं अभी दोपहर में कितना भीड़ है इस मॉल रोड पे। और ये है दोस्तों शिमला का फेमस कैथोलिक चर्च, जो मॉल रोड पे आपको मिल जाएगा, आप इसमें भी विजिट कर सकते हैं। ये रहा चर्च और हम लोग हैं अभी सेल्फी पॉइंट पे, और आपको दिखाते हैं सेल्फी पॉइंट से आप क्या नज़ारे देख सकते हैं। इस शहर को देखिए, और ये रहा अपना सेल्फी पॉइंट, बैठने के लिए भी व्यवस्था है यहाँ। ओके दोस्तों, हम लोग मॉल रोड जो था और चर्च जो था वो विजिट कर चुके हैं, और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। यह देख लीजिए, ये लोकल मार्केट यहाँ का, तो उसे भी आपको दिखा देते हैं। स्टेयर्स है बहुत लंबा, मज़ा आएगा, एकदम स्पीड में भागते हैं और लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। ऊपर था VIP मार्केट, सारे बड़े बड़े ब्रांड के आपको शॉप मिलेंगे। अब यहाँ पे लोकल आपको शॉप मिलेंगे, यहाँ के लोकल पब्लिक का जो खुद का मैन्युफैक्चर रहता है वो सब मिलेंगे। यह देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं रोका है, कितने स्टेयर्स हैं आपको पता चल ही गया होगा। और यह देखिए आ गए, इस मार्केट के सामने वो मार्केट बहुत फीका है। यह देखिए, ये है अपना शिमला की जहाँ आ गए अपने नीचे वाले लोकल मार्केट में। और दोस्तों यहाँ पे आप आते हैं तो बस सभी आप सभी के लिए देखिए कितने अच्छे अच्छे बैंगल्स सब है, देख सकते हैं गर्ल्स आइटम सारे हैं। और इधर क्लॉथ मार्केट, वुलन क्लॉथ मार्केट, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। और यहाँ देखिए इधर गर्ल्स के लिए भी आइटम सब हैं, सारे अवेलेबल अच्छे अच्छे और ऐसे लोकल आपको मिल जाएंगे। यहाँ देखिए कंबल, जैकेट वगैरह सब भी है, स्वेटर वगैरह सारे कुछ मिल जाएगा, वो भी 150 में भाई। यहाँ गर्ल्स के लिए वुलन सूट, इधर भी है, आप आओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा इस मार्केट में, इसे लोअर मार्केट कहते हैं। और यह देख लीजिए, यहाँ पे क्रिसमस ट्री भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करने यहाँ आ रहे हैं तो उसका भी सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। और इधर देख लीजिए अपना बेकरी पॉइंट, जनता बेकरी, बहुत अच्छे अच्छे स्टार सब यहाँ पे है डेकोरेट करने के लिए, बहुत ही अच्छा मार्केट है दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग एक ढाबा में आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग खाएंगे अभी पराठा। लेकिन आपको बता दें शिमला में कपड़ा बहुत सस्ता मिल जाएगा, लेकिन खाना भाई बहुत महंगा है। समोसा 1.15 का, छोला भटूरा 7 का 60 रुपये थाली, और आप अगर खाना चाहते हैं थाली मतलब चावल दाल रोटी सब्जी तो वो 100 रुपीज़ पड़ेंगे। और ना छोले भटूरे मैंने बता दिए 60 रुपये, यहाँ राजमा चावल खाओगे या करी चावल खाओगे तो वो भी आपको 60 के पड़ेंगे, मतलब कॉस्टली है खाना यहाँ पे, तो खाने पीने में अच्छा खासा यहाँ खर्च होने वाला है। और भाई मैंने पेटीज खाई थी तो वो पेटीज, एक पेटीज का दाम 25 रुपये लिया, और चाय भाई चाय 15 रुपये दिया, और भी उतनी अच्छी भी नहीं थी। समझ सकते हैं खाने पीने में क्या यहाँ पे हालात हैं। और थोड़ा ये है, ये टूरिस्ट प्लेस है ना, इसलिए ज़्यादा प्राइस मतलब रहता है हर चीज़ का। लेकिन वैसे मैंने देखा है कपड़ा उपड़ा जो है यहाँ के कश्मीरी स्टॉल सब है वो सब सही रेट में मिल रहे हैं, तो वो आप शॉपिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो अपने भाई लोग आपको रिव्यू देंगे जो हम लोग पराठा खा रहे हैं। भाई आप सबसे पहले बताओ कैसा है पराठा, और प्राइस इसका कितना लगा है? 30 रुपये। आप बताओ कैसा लग रहा है? ठीक ठीक है, एवरेज ना। आप बताओ भाई कितना कैसा है पराठा? पराठा बिल्कुल ठीक है भाई, सही है। आप साइज देख लो पराठा का, फिर बात करना। ये है 30 का पराठा,
गर्मा गर्म। इधर खाने पीने की चीजें बहुत काफी महंगी बिक रही है, तो इस हिसाब से पराठा 30 रुपीज में काफी वर्थ है। चलिए हम भी खाते हैं, उसके बाद आपको इसका टेस्ट रियली क्या है वो शेयर करते हैं। So, दोस्तों रियल रिव्यू मैं आपको देता हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू यही रहा कि 30 रुपए के हिसाब से पराठा सही था भाई। जिस हिसाब से यहाँ खाने का प्राइस है उस हिसाब से तो हम लोग ने जो खाया वो बहुत ही अच्छा था। चलिए वापस चलते हैं रेलवे स्टेशन और इस ब्लॉग को यहीं कंप्लीट कर देते हैं। मॉल रोड आपको कैसा लगा शिमला का बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए बाय, जय माता दी, जय हिंद। तो दोस्तों यहाँ BSNL का मैंने आपको बिल्डिंग दिखाया था, यहाँ से अपर मार्केट ये था रोड जो हम लोग सीधा चले गए थे, और लोअर मार्केट जो हम लोग आए वो ये गेट है, यहाँ से आए हैं।